ये बताइए कि इस वक्त जारी बात है आपकी जो जो बड़ी इत्तेहादी जमात है मुस्लिम नून, वो ये कहती है जी तहरीक एतमाद भी हम ला सकते हैं, एतमाद का वोट हासिल करने का भी कहा जा सकता है, इन मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर बात हो रही है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली जो मुस्लिम काफ के 10 MPs हैं जी, वो जो 10 MPs हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है, तो वो 10 MPs मैं मंसूर अली खान साहब, मैं आपकी इस बात का जवाब बहुत अंदाज में देने की कोशिश करता हूँ जी, कि मुस्लिम लीग नून ने ये कहा है कि इनको हम मतलब फेस करेंगे, इनको हैंडल करेंगे, और अगर ये असेंबली तोड़ दे सिलेक्शन हो जाए जी, लेकिन ये असेंबली क्यों नहीं तोड़ते, इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं इमरान खान साहब, इसलिए दे रहे हैं कि ये समझते हैं कि सारी दुनिया बेवकूफ है, इनको मैं जो भी झूठ बोलूंगा, जो ड्रामा करूंगा, वो लोग जो है उसको सच समझेंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इन्होंने असेंबली तहरीर ना की तो जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है वो ऑप्शन हो सकता है, गवर्नमेंट उनको एक्सरसाइज करे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को एक्सरसाइज करे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा जाए, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन ये इस तरीके से हर रोज हर दूसरे दिन ये कौम को एक नया लॉलीपॉप दे के इतना टिका झूठ बोलता है ये शख्स कि उसकी मिसाल नहीं मिलती पूरी, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी पॉलिटिशियन ने इस तरह के झूठ बोले होंगे और इस तरह का अंदाज अपनाया। नहीं चीमा साहब वो असल पॉइंट ये है कि वो जो 10 MPs हैं परवेज इलाही साहब को डाल के ऑब्वियसली पंजाब असेंबली के अंदर, वो परवेज इलाही साहब के हाथ में है, पूरी तरह कंट्रोल है, आप लोगों का तो कोई लेना देना नहीं ना उसके साथ। देखिए अब तक तो मैं ऐसे ऑनेस्टली बात तो यही है कि वो परवेज इलाही साहब के कंट्रोल में ही है, उन्हीं के कंट्रोल में ही होंगे, लेकिन इनके अपने जो लोग हैं, या अगर उनमें से कुछ लोगों का राबता चौधरी शिताब हुसैन साहब के साथ है तो वो मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके अपने भी जो लोग हैं वो भी तो देखे ना कि वो किस हद तक इनके साथ ठहरे होंगे, और अगर वो ठहरे होंगे तो इनको बेफिक्र होना चाहिए, इनको ये फिक्र करनी ही चाहिए, और अगर ये इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना ऊपर जा चुका है तो फिर इलेक्शन से इनको नहीं घबराना चाहिए। तो ये तो हम तो उस ऑप्शन को फॉलो कर रहे हैं जिसके लिए इमरान खान साहब पिछले 7 माह से तड़प रहे हैं, सर वो सर तारिक साहब वो तो खबर आई है कि परवेज इलाही साहब ने असेंबली तहलील करने की समरी साइन करके इमरान खान साहब को दे दी है, तो फिर किस चीज का वेट कर रहे हैं जब समरी साइन सर मुजाकरात का क्या है, आके मुजाकरात कर लें सर, मुजाकरात किस चीज के लिए करना चाह रहे हैं, वो इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं सर, तो इलेक्शन तो खुद ना खुद हो जाएगी जब असेंबली तहलील हो जाएगी सर, वो तो आम इंतखाबात मांग रहे हैं ना कि पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे करवा लें, देखे ना जब 2 प्रोविंशियल असेंबली बड़े सूबों की तो वो तहलील हो जाएगी, तो उसके बाद तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि वो दोनों बड़े सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे।